भगत सदना जी नू जदों पूर्ण ज्ञान हो गया कि भगती करन विच ही भला है तां ओ परखोत्तम जी दे दर्शना लई जगन्नाथपुरी दी यात्रा वास्ते सिंधु विचों चल पए। जगन्नाथपुरी शहर पहुंचण तों एक पड़ा पिछे भगत सदना जी नू रात पै गई। ता भगत जी ने सोचिया कि किसे ग्रस्ती दे घरों भोजन मंग के खा लैंदा हाँ ते उसे घर विच ही रात कट लवांगा। एक घर दे बूहे अगे खलो के इन्हां ने भोजन की आवाज लगाई। उस घर विच एक इस्तरी ते एक मर्द रहिंदा सी। इस्तरी की जिहड़ी उम्र सी ओ लगभग 22 साल दी सी। देखण विच ओ बहुत खूबसूरत ते जवान सी पर जिहड़ा उसदा पति सी ओ एक रोगी सी। उस सुंदर नारी ने जदों भगत सदना जी नू अपने घर दे बाहर खड़ा देखिया ता अंदर बुला लिया। बड़ी ही निम्रता नाल बेनती कीती कि संत जी किरपा करके अंदर पधारो ते मेरे ग्रह नू पवित्र करो। इस्त्री दी शरदा नू देख के भगत सदना जी प्रसन्न होए ते घर दे अंदर दाखल हो के एक मंजे उत्ते बैठ गए। उस मुटियार नारी ने बड़े चा ते प्यार नाल भोजन तैयार कीता ते भगत सदना जी दे हथ चरना नू धुआ के भोजन परोस दिता। जिन्ना चिर भगत सदना जी भोजन छकदे रहे उन्ना चिर ओ इस्त्री कोल बैठी पक्खी चलदी रही जिवें कोई इस्त्री अपने पति नू पक्खी चलदी होवे। भगत सदना जी ने जदों प्रशादा छक लिया ता उस औरत ने सोना वड़ा बिस्तरा विछा के रात ठहरण दी बेनती कीती। ता भगत सदना जी ने उस नारी दी बेनती नू प्रवान कर लिया ते नाम दा सिमरन करदे करदे भगत सदना जी सौ गए। जदों अद्धी रात होई ता ओ मुटियार हार शिंगार करके भगत सदना जी दे मंजे उत्ते आ गई क्योंकि उसदे दिल विच मंदी वाशना भरी हुई सी। उस इस्त्री दा पागलां वाला वरतीरा देख के भगत सदना जी ने उसनू कहा कि भैण मेरे कोलों दूर चली जा क्योंकि हर इस्त्री नू पतिव्रता ही रहना चाहिदा है। मैं पहला तो ही अपने पिछले पापां दे करके दर बेदर होई फिरदा हाँ। मैनू होर पापां दा भागीदार ना बना जा मेरी भैण अपने पति दे पास चली जा। उस वेले उस इस्त्री दे अंदर मंदी वाशना भरी हुई सी ते उसने पुट्ठा सोचिया कि शायद ए संत मेरे पति कोलों डरदा है। ए सोच के ओ इस्त्री अपने कमरे अंदर चली गई ते दसां को मिंटां बाद अपने पति दा सिर वड के भगत सदना जी दे कोल लै आई ते भगत जी नू आखण लगी कि हे मेरे प्यारे जे तैनू मेरे पति दा पै सी तां ए लै उसदा वड्या होया सिर क्योंकि मैं उसनू अपना पति नहीं सी मानदी। मेरे मां बाप ने जोरावरी मेरा व्याह इस रोगी नाल कर दिता सी। इसनू मारना ही ठीक सी। हुण मैं सिर्फ आपनू ही अपना पति मानदी हाँ। मेरे नाल प्यार करो ते मैनू अपनी बना लो। भगत सदना जी पहला ता उस मूर्ख इस्त्री दियां सारियां गल्लां नू चुप चाप सुनदे रहे ते फिर इको दम बोले
कि हे पपणे, तू समाज ते धर्म की परवाह ना करदिया होया ये वड्डा पाप कीता है ते तेरे इस गुनाह की सज़ा नरकां विच होवेगी। ये गल बोल के भगत सदना जी जदों उत्थों जाण लगे तां उन्हां नूं जांदा दे के उस पापण इस्त्री ने उच्ची उच्ची रौला पा दिता कि ये साधु मेरे पति नूं मार के मेरे नाल कुकर्म करना चाहुंदा है, मेरे प्यारे पति नूं मार के ये पापी दौड़ चला है। उस पापण दा ये रौला देख के भगत सदना जी हैरान जरूर होए पर घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि वेखी जाए परमात्मा की करना चाहुंदा है, शायद मेरे किसे पाप दा ये फल मैनू मिलना रह गया सी, जेड़ा मैं इस कलजोगण दे घर रात कट्टण लई ठहर गया। लोकां ने उस इस्त्री दा रौला सुनिया ते इकट्ठे हो के भगत सदना जी नूं घेरा पा लिया ते हाकम दे कोल लै गए ते हाकम ने झट पट फैसला लिया ते भगत सदना जी दे हथ कट्टण दा हुक्म दे दिता। भगत सदना जी दे हथ वड्डे गए पर प्रभु दे भाणे नूं मिठा मानदिया होया भगत सदना जी कुछ नहीं बोले। हथ वड्डे जाण तों बाद हाकम नूं सच्चाई दा पता लग गया तां उसने उस पापण नूं ज्यौंदियां ही जमीन विच गड़ दिता ते कुत्तियां कोलों पड़वा दिता। उस पापण इस्त्री दी रूह नरकां नूं चली गई पर भगत सदना जी उत्ते परमात्मा दी निगाह सवली होई ते कुछ समय बाद उन्हां दे कट्टे हुए दोनों हाथ वापिस आ गए। सतनाम श्री वाहिगुरू।